और आज अच्छा सबसे अच्छा रहा कि रात भर में पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई। वो देश कोई क्रोध करने लायक थोड़ी है, वो तो आनंद लेने लायक है। कैसा देश है आप देखिए, आप हमारे बड़े प्रशंसक हैं वहां, बड़े दोस्त हैं बड़े, लेकिन मजा आता है उनसे बात करें, वो खुद भी हंसते हैं। उस सर्जिकल स्ट्राइक में हमने अंदर घुस के मार दिया तो सुबह को उनके गृह मंत्री का आधिकारिक बयान ऐसा था कि तीन कवि सम्मेलन न्योछावर। उससे पत्रकार ने पूछा, बोले साहब वो हिंदुस्तान के जहाज अंदर घुस गए कितना नुकसान कर गए? जवाब सुनो, बोले वो अंधेरे की वजह से पता नहीं चल पाया। मैंने कहा खां साहब घर जाओ, वहां भी लाइट नहीं थी। मतलब ऐसे ऐसे तो ये तो गृह मंत्री है उनके हैं? अच्छा उसने बयान दिया भाई साहब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में सवाल उठाया, उनके एक सांसद हैं बिलावल भुट्टो, उनके यहां भी हैं। तो बिलावल भुट्टो ने, तुम ताली देर से बजाते हो यार समझ, तो बिलावल भुट्टो ने पूछा, बोले साहब वो जहाज अंदर घुस गए हमको पता कैसे नहीं चली? अब देखो जवाब और फिर मजे लो तीन दिन। उनके रक्षा मंत्री का जवाब सुनो गृह मंत्री के बाद, बोले साहब वो जहाज अंदर घुस के आपको पता नहीं चली? तो रक्षा मंत्री बोले हमारी रडार पता नहीं लगा पाई। मैंने कहा बेटा चीन से माल लोगे? तुम्हारी रडार नहीं चली, हमारी दिवाली पे झालर नहीं जली यार। हाँ बताओ आप। तो ऐसा अद्भुत देश है। अब हमसे लोग कहते हैं, भास्कर के मुझे पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम कि साहब आप पाकिस्तान पे कविता नहीं लिख रहे, 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे? मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूँ, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था आज है कल भी रहेगा, पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था आज है। आप कविता लिख दो परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली NCR की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजानी है तो बजा लो। जयपुर में जून में 3 लड़कियां मुंह पे दुपट्टा बांध के स्कूटी से निकल जाएं, भास्कर के सिटी एडिशन में फ्रंट लाइन छपती है, जयपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा और हमारे यूनिवर्सिटी के 15 लड़के बेहोश हो जाएं, राजस्थान में नशे की लत फैली। वाह भाई वाह, ये लू और हम लूलू। मजे पूरे लो, वहां मिलनी चाहिए। निवेदन करता हूं कि तबीयत ठीक है, मेरा डॉक्टर घूर के देख रहा है मुझे कि कर क्या रहा है ये, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। गाओ कि मोहब्बत एक पवन जी सोच रहे हैं कि ये 10 लाख बेकार चले गए, जब सबको ही आती तो किसी को खड़ा कर देते। कभी कबीरा दीवाना था यहां सब लोग कहते हैं। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो आगे से पीछे तक तालियों का महोत्सव गूंजता होना चाहिए ताकि कवि सम्मेलन होता दिखाई दे। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो